नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो बताएंगे आपको विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो आपको इस तरह से आपको इस वीडियो में बताएंगे ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या होती है और विकास की निगरानी क्या होती है, विकास निगरानी क्या होती है, ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या होती है। तो आज इसी के बारे में आपको बताएंगे और ये आपको हर एक नापनी है या तोलनी है इस तरह से आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आज का टॉपिक यही है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सिस्टम उस्टम के साथ लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से नापा जाएगा, तौला जाएगा। तो इसी के बारे में आज वीडियो बताएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वेट मशीन और ये सेंटीमीटर मशीन किस प्रकार से आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम उठाते हैं अभी जो है ये है कि इस तरह से विभाग से जो आप लोग को मिली होगी जो वेट मशीन है जो यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से आपको बच्चे को वजन के लिए ये दिया गया है। तो इससे आपको वजन लेनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है सेंटीमीटर। जो आपको सेंटीमीटर मिला होगा वो भी आपको दिखाते हैं जो इस तरह से है। तो इस तरह से आपको सेंटीमीटर मिला होगा जो ये गोड़ा है और इसमें इस तरह से आपको यहाँ पे मीटर मिली होगी। तो चलिए इसको दिखाते हैं कि किस प्रकार से सेट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं सेट करना। तो इस तरह से आपको क्या करनी है कि यहाँ पे ये जो दिया गया है आपको यहाँ पे देख लेनी है जो यहाँ पे एक से स्टार्ट होगा यहाँ है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सेंटीमीटर और इंच में जो दिया गया है इस तरह से आपको यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है और आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो दिया गया है इसमें आपको इस तरह से फंसा लेनी है। आप जैसे ही फंसाइएगा तो इस तरह से आपको खड़ा हो जाएगी और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ से सबसे नीचे आप देख सकते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे इधर साइड से जो आप देख रहे होंगे तो इस साइड से आपको इंच में दिखाई जाएगी और इस साइड से जो होगा आपको सेंटीमीटर में दिखाई जाएगी। जो आप साइड से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे 10 11 12 इस तरह आपको होगा तो वो आपको दिखाया जाएगा सेंटीमीटर में और ये इंच में दिखाई जाएगी। अगर आपको इससे और अगर भूल जाते हैं, अगर सहूलियत चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट आप जान सकते हैं कि इंच, इस तरह से आपको इंच नाप लेनी है और इधर इस साइड से आपको सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे नंबरिंग दिया जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरह से आपको जितना इंच का होगा या सेंटीमीटर का होगा बच्चा तो आपको इसी तरह से दिखाया जाएगा। अगर आपको इससे भी बड़े होंगे तो आपको एक और स्टिक मिला होगा, तो इस तरह से तो आप लोग को एक और स्टिक मिला होगा ऐसा वाला जो बच्चा इससे लंबा हो जाए तो आपको ये स्टिक एक और मिला होगा। तो ये स्टिक फिर से ऊपर से आपको यहाँ पे आपको सेट कर लेनी है। तो आपको इस तरह से सेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आपको बढ़ गया, यहाँ पे इंच दिया हुआ है तो इस तरह से आपको इंच बढ़ती जा रही है और सेंटीमीटर इस तरह से आपको बढ़ के टोटल यहाँ पे 78 से 200 इस तरह से आपको दिया गया मीटर और इंच इस तरह से आपको दिया गया है। तो चलिए एक बच्चा को हम नाप के दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे इंच और सेंटीमीटर को किस प्रकार से पता करनी है। तो आपको दिखाते हैं, चलिए एक बच्चा को बुलाते हैं और सेट करके दिखाते हैं। तो आइए आप दिखाते हैं एक बच्चा को वजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस तरह से मेरा मशीन है तो आपको यहाँ पे दिया गया है ऑन ऑफ बटन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑन कर लेना है। जैसे ऑन कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे रीडिंग आएगी और यहाँ पे 00 इस तरह से आएगी और आपको इस तरह से आपको रख लेनी है और रखने के बाद आपको इस पर एक बच्चा को डाल लेनी है और कितना वजन है वो वजन आपको कॉपी मेंटेन कर लेनी है। तो चलिए एक बच्चा को हम इस पर डाल के दिखाते हैं। चलो, तो इस तरह से हमने एक बच्चा को यहाँ पे वजन मशीन पे डाल लिया है और आप लोग को दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वजन कितनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे वजन दिया गया है 13.5 किलो इस तरह से आपको यहाँ पे वजन दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अपना कॉपी मेंटेन कर लेना है। तो इस तरह से एक बच्चा को हम बुला लेते हैं लंबाई नापने के लिए। तो यहाँ पे एक और दिया गया होगा जो यहाँ पे सिर पे जो जाके यहाँ पे बैठेगी इसके लिए दिया गया है। तो इसको क्या करना है कि यहाँ से खोल के आपको और यहाँ पे लगा लेनी है, इस तरह से आपको लगा लेनी है। लगाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर लगा लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से एक बच्चा को बुला लेते हैं, आओ यहाँ पे खड़े हो जाओ। अरे
तो इस तरह से एक बच्चा को इस तरह से नाप लेनी है और आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चा सावधान हो और इसके लंबाई सीधे इस तरह से आपको सावधान तरीका में डाल लेनी है और इस तरह से आपको नाप लेनी है और नापने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कैमरा जूमिंग करके इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है 101, जो यहाँ पे 101 से ऊपर में यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 101 से ऊपर दिया गया है और यहाँ पे नीचे इस साइड में जो इंच में दिया गया है, जो 40 जो यहाँ पे दिया गया है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं इंच और सेंटीमीटर। तो उसमें आपको इंच या सेंटीमीटर इस तरह से आपको कॉपी मेंटेन कर लेनी है और आपको यहाँ पे लिख लेनी है कॉपी में। दिखाया गया है कि इस तरह से आपको जो इस साइड से होगा, जो यहाँ पे दिया गया है आपको यहाँ पे 101, 102, 103 इस तरह से आपको दिया गया है जो सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे जो 40, 41 इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया है, जो इस तरह से आप नाप भी सकते हैं। तो ये इंच में हो गया। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे इंची और सेंटीमीटर इंच में आप नाप सकते हैं, इंच और सेंटीमीटर में आप लोग नाप सकते हैं। तो चलिए हम आपको अगला फॉर्म इसका भर के दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको इंच और सेंटीमीटर और वजन कहाँ पे डालनी है। तो चलिए आपको वहाँ पे दिखाते हैं पोषण ट्रैक में किस प्रकार से आपको इंच और सेंटीमीटर कहाँ भरी जाएगी और वजन कहाँ पे भराई जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो हमने आज आपको बच्चे को नापना और वजन करना भी आपको सिखा दिए हैं। तो इसको कहाँ पे भरनी है, तो आपको यहाँ पे चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको कहाँ पे भरनी है इसको, तो यहाँ पे दिया गया है आप लोग को। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा जो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन हमने किया है और इस प्रकार से किया है, और उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट जो यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, यहाँ पे 3 डॉट, तो आपको इस 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नीचे में दिया गया है विकास निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया है जो विकास निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग है, जो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको पेज खुल के आएगी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाइट यूनिट दिया गया है और यहाँ पे वजन दिया गया है किलोग्राम में। तो इस तरह से आपको दिया गया है और हम नाप के जो दिखाए थे आपको इंच और सेंटीमीटर में, तो आपको क्या करना है कि आप देखते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे सेंटीमीटर पे इस तरह से हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंच या सेंटीमीटर में आपको खुद डिसाइड कर लेनी है कि इंच में या सेंटीमीटर में डाल लेनी है। तो चलिए हम सेंटीमीटर में डाल लेते हैं। तो मेरा जो सेंटीमीटर में था 101 से लेके 102 के बीच में था, तो आपको या तो 101 भी लिख सकते हैं या 102 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम 102 लिख लेते हैं जो सेंटीमीटर में था। तो यहाँ पे हमने डाल लिया, और डालने के बाद आपको नीचे में दिया गया है जो आपको यहाँ पे जो वजन दिया गया है किलोग्राम में, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे किलो लिख देना है कितना केजी का था वो, तो यहाँ पे उतना केजी डाल लेना है। तो वो केजी था जो आपको केजी दिखाई गई थी जो 13.5 केजी का, तो इस तरह से आपको 13.5 केजी डाल लेनी है। डालने के बाद आपको नीचे में दिया गया है, सबसे नीचे में यहाँ पे देख रहे होंगे जो सबमिट बटन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, इस तरह से आपको लिख दिया जाएगा और बैक हो जाएगी। तो आप इसी तरह से विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग आप इसी तरह से भर सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कतें होगी इस वीडियो में तो आप हमारे वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, इसका वीडियो फिर से हम बना देंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।